आलोक भाई इधर भी करवा लो। आलोक भाई हम लोग भाई एक मिनट। नुसरत मैम क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले दादा साहब फाल्के का नाम हो रहा है अवार्ड के साथ, बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है, क्या कहना चाहेंगे? उनके आज 12 साल हुए और 8 साल से उनका अवार्ड फंक्शन चल रहा है। आई जस्ट फील वेरी ऑनर्ड दैट आई हैव कम ऑन अ स्टेज लाइक दिस टू अनवेल देयर। आप सबने देखा डिजिटल पोस्टर, सो इट्स अ वेरी हाई एनिमेटेड थिंग एंड इट एक्चुअली शोज द अवार्ड गो थ्रू ऑल द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे एंड एवरीवेयर एंड इट्स सो नाइस दैट वी हैव लेगेसी मीटिंग कल्चर नाउ एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी, जहाँ वो पूरा एक पोस्टर इतना इंटरेस्टिंग, इतना इंटरैक्टिव बना दिया है दैट आई एम वेरी ग्लैड। दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड आई विश एवरीबॉडी दिस ईयर हु इज गेटिंग द अवार्ड ऑल द बेस्ट एंड बिग कांग्रेचुलेशंस एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर। 2023 में बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी 2023? ओह माय गॉड, थ्री इडियट्स। अरे हां, इडियट्स न्यू है। आई थिंक आई से एनिमल, मुझे एनिमल बहुत पसंद है। मैं रणवीर की बहुत बड़ी फैन हूँ और रणवीर की दोनों पिक्चरें आई है इसी साल में। इट्स जस्ट अ ट्रीट टू वॉच हिम एंड फॉर मी आई एब्सोल्युटली लव वॉचिंग हिम। गाइस आई से 2024 में कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप शेयर करना चाहें? मेरे चोरी 2 है, आपके पड़ोस में है, वो एक और है उसका पता नहीं कब रिलीज इस साल होगा, सो लेट्स सी। नुसरत, आपने ऑब्वियसली कहा कि आपको एनिमल पसंद आई, दैट्स अ पर्सनल चॉइस, ऑब्वियसली हर एक फिल्म उसके अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं, और जब संदीप रेड्डी वंगा की आती है तो एक शब्द जो बार बार इस्तेमाल किया जाता है मिसोजिनी, सो बीइंग अ वुमन व्हाट डू यू थिंक ऑफ संदीप रेड्डी वंगास फिल्म? यार देव कॉल प्यार का पंचनामा आल्सो मिसोजिनिस्ट, तो इस शब्द से तो मैं बहुत सालों से वाकिफ हूँ, इस शब्द का सवाल मुझे बहुत सालों से पूछा जा रहा है, मेरा जवाब तब भी वही था, मेरा जवाब आज भी वही है कि अगर प्यार का पंचनामा हिट हो सकती है और इतने करोड़ कमा सकती है और एनिमल 600 करोड़ कमा सकती है, तो ये सवाल मुझसे नहीं, हमें ऑडियंस से पूछना चाहिए कि उनको क्या लगा, और अगर उन्होंने इतनी बार आके 600 करोड़ दिए पिक्चर को तो उनको कुछ तो पसंद आया होगा। एंड ऑब्वियसली दादा साहेब फाल्के इज द लेगेसी ऑफ इंडियन सिनेमा, लेकिन एक नाम और है जो शायद उन्होंने दादा साहेब फाल्के से पहले चालू किया था, हीरा लाल सेन जी। तो आज ऑब्वियसली दादा साहेब फाल्के साहब का राइटफुली इतना सम्मान है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद हीरा लाल सेन जी की उनकी बात इतनी नहीं होती है, उनके नाम पे इतने कोई प्रसिद्ध अवार्ड सुनने नहीं मिलते हैं? अगर आपने सवाल उठाई है तो मैं तो कह रही हूँ कर लो, स्टार्ट कर लो, आप बताओ लोगों को कि वो भी थे और उनके के नाम पे एक अवार्ड देना चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए उनके उनके नाम पे, चाहो तो क्रिटिकल ये हो सकते हैं, अगर ये दादा साहब फाल्के हैं तो उनके नाम पे क्रिटिकल अप्रिसिएशन हो सकते हैं, जैसे हम सब अवार्ड्स में करते हैं, पॉपुलर होता है क्रिटिक्स होता है, तो हम वैसे कर सकते हैं, दैट वे एवरीबॉडी गेट्स अ लिटिल बिट एवरीथिंग। सॉरी नाउ यू कैन नो, जवाब तो कंप्लीट कर दो। राम मंदिर बन गया है, आप कितने खुश हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज राम अयोध्या गए थे, जी जी, तो आप कितने खुश हैं, आप क्या कहेंगे? आई थिंक द फैक्ट दैट इट्स सच अ बिग मोमेंट फॉर द होल कंट्री टू सेलिब्रेट, हम सब ने देखा है कि उस दिन क्या इमोशन था सब सबके पास, सबकी तरफ, जब भी हम फ़ोन खोलते, जब भी एक दूसरे से बात करते, मैं बॉम्बे में नहीं थी पर जहाँ मैं थी वहाँ टी वी पर हम पूरा वो लॉन्च देख रहे थे, एंड इट वॉज अ आई थिंक एक इमोशन ना पूरे देश को जो कनेक्ट करता है वो उस दिन एक्चुअली महसूस हुआ, सो इट्स अ वेरी बिग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी सेलिब्रेटेड इट एंड आई होप वी कंटिन्यू टू सेलिब्रेट इट एज़ वेल। आप कब जाना चाहोगे अयोध्या? अरे मैं एक्चुअली जाके आई हूँ, राम सेतु का मुहूर्त शॉट जब अयोध्या पूरी तरह बना नहीं था, इट वॉज स्टिल इन द प्रोसेस, हमने वहाँ जाके मुहूर्त शॉट किया था, पूजा की थी, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी कि हमें उस फिल्म के थ्रू मुझे मौका मिला वहाँ जाने का, तो मैंने एक्चुअली वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें देखी थी, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वेंट देन, बट आई वांट टू गो इवन नाउ, तो आई होप, एंड मैं बता रही हूँ ये जो एक इमोशन होता है ना, इसका बुलावा आता है, आप कहते हैं ना भगवान का बुलावा जब आता है तो आप पहुँच जाते हो, तो जब भी आएगा मैं पहुँच जाऊँगा। थैंक यू।